जय हिंद। मैं शैलेश, आप सभी का आप सभी के चैनल असम प्रोफेशन पर स्वागत करता हूँ। आप लोग पढ़े स्टैटिक जीके और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे भारतीय प्राचीन संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक के बारे में, यानी किस संप्रदाय की नींव किसने रखा, इस पर चर्चा करेंगे। सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं, क्लास को शेयर कर दें और क्लास को लाइक कर दें। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहले अगर बात करें हम लोग हिंदू संप्रदाय, ठीक है, हिंदू धर्म संप्रदाय, कुछ भी कहें, हिंदू धर्म या संप्रदाय, ठीक है, कुछ भी हो, तो इसके प्रवर्तक कौन थे, तो इसका ज्ञात नहीं किया गया है। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है कि हिंदू धर्म के जो प्रवर्तक थे कौन थे, ठीक है, ठीक है, लेकिन अभी कुछ इसका लिखित तथ्य नहीं मिला है, इसलिए इसका अभी निर्धारित नहीं किया गया, ठीक है। वहीं पर बात करें हम लोग मुस्लिम धर्म, ठीक है, मुस्लिम यानी इस्लाम, ठीक है, इस्लाम धर्म, मुस्लिम यानी इस्लाम धर्म की, तो इसके कौन थे, मोहम्मद हजरत साहब, हजरत साहब, ठीक है, लिखते चलेंगे साहब। देखिए धर्मों को बराबर मान्यता मिली हुई है, हम भी मानते हैं, हम भी क्या सब लोग, पूरा भारत मानता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्मों को नहीं अपने ही धर्मों को बढ़ावा देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ सभी धर्मों को भी मानना जरूरी है। मानते हैं चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म, कोई भी धर्म हो, मैं सबको एक बराबर मानता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मोहम्मद हजरत साहब यानी इस्लाम धर्म के कौन थे, मोहम्मद हजरत साहब, ठीक है। वहीं बात करें हम लोग सिख धर्म, ठीक है, तो सिख धर्म को आप, सिख धर्म का अगर बात करें तो सिख धर्म को प्रवर्तक कौन थे, या सबको पता होगा कौन थे भैया, गुरु नानक देव, ठीक है, गुरु नानक, ठीक है, गुरु नानक देव थे। वहीं अगर बात करें ईसाई धर्म, ठीक है, ईसाई ईसाई धर्म, ठीक है, ईसाई धर्म का, तो इसके कौन थे, यीशु थे, ठीक है, यीशु, जस्ट क्राइस्ट, ठीक है, यीशु थे, ठीक है, जिनका हम लोग 25 दिसंबर को मनाते हैं क्रिसमस डे, क्लियर है बच्चों। वहीं अगर बात करें हम लोग जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म, सबको लिखते चलेंगे, जैन धर्म के कौन थे, इनके दो हैं, एक पहले कितने तीर्थंकर है जैन धर्म में, 24 तीर्थंकर है, तो जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनको भी माना जाता है, लेकिन असल में अगर बात करें तो महावीर स्वामी को माना जाता है, ठीक है, फिर भी लिखेंगे आप लोग ऋषभदेव, ऋषभदेव और महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी लिख लेंगे इसको, दो लोगों को माना जाता है। अगर ऑप्शन में ऋषभदेव दिया जाएगा तो महावीर स्वामी ही दिया जाएगा, लेकिन हाँ ऐसे कह दे कि 24वें तीर्थंकर कौन है जैन धर्म के, तो ये महावीर स्वामी हो जाएंगे, लेकिन प्रथम ऋषभदेव, ठीक है, लेकिन जो अगर उनके प्रचार प्रसार की बात करें तो महावीर स्वामी जी ने ही किया था जैन धर्म को, ठीक है, इसलिए इनको माना जाता है इसका प्रवर्तक। खैर कोई नहीं, जो भी देगा उसी के अनुसार आप कर दीजिएगा, ये पहले पहले तीर्थंकर है ये 24, ठीक है, बहुत सही, यहाँ तक हो गया। वहीं अगर बात करें बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म, ठीक है, बहुत सारे धर्म हमारे भारत में की, लेकिन हमें सबको एक बराबर मान्यता देनी चाहिए, सबको बराबर देखना, एक बराबर दृष्टि से देखना चाहिए। बौद्ध धर्म की बात करें तो इसकी स्थापना कौन, इसका प्रवर्तक कौन है, गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध यानी तथागत बुद्ध भी, ये बुद्ध ऐसे हो या कुछ भी हो, जैसे लिख दे कोई, है ना, गौतम बुद्ध, इस प्रकार से नोट करेंगे। आगे अगर बात करें इस क्या कहते हैं, स्मृति संप्रदाय, ठीक है, स्मृति संप्रदाय, बात करें तो इसके थे शंकराचार्य, कौन थे, शंकराचार्य, शंकराचार्य, ठीक है, शंकराचार्य। नोट, स्मृति संप्रदाय के कौन थे, स्मृति धर्म के कौन थे, तो शंकराचार्य थे, ठीक है। और वहीं अगर बात करें श्री संप्रदाय, ठीक है, श्री संप्रदाय, तो श्री संप्रदाय की अगर बात हो तो श्री संप्रदाय का रामानुजाचार्य, ठीक है, रामानुजाचार्य, ठीक है, ये नाम है, नोट करेंगे, फिर अगला पेज को हम लोग करेंगे, ठीक है। श्री संप्रदाय के कौन थे प्रवर्तक, तो रामानुजाचार्य, ठीक है।
और हिंदू धर्म का तो ज्ञात नहीं है, मुस्लिम धर्म का यानी इस्लाम धर्म का कौन था, मोहम्मद हजरत साहब जी थे, गुरु नानक देव ईसाई धर्म के यीशु मसीह थे, ठीक है, यीशु मसीह भी लिख सकते हैं वहाँ पर मसीह, ठीक है, नोट हो गया यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह भी लिख सकते हैं, मसीह लिख सकते हैं, यीशु मसीह, ठीक है, खैर को उससे कोई मतलब नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबके धर्मों को मानिए एक बराबर दी सब एक दृष्टि सबके धर्मों के प्रति होना चाहिए, फिर चाहे आपका धर्म हो या फिर किसी और का, ठीक है, सबको एक बराबर दृष्टि से देखना चाहिए। अगर हम बात करें ठीक है ब्रह्म समाज संप्रदाय का, ब्रह्मा समाज ऐसे कहते हैं, ब्रह्मा संप्रदाय संप्रदाय, ठीक है, ब्रह्मा संप्रदाय की अगर बात करें तो ब्रह्मा संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे माधवाचार्य, ठीक है, माधवाचार्य, ठीक है, लिखते चलेंगे इसको, ब्रह्म समाज के कौन थे, माधवाचार्य। वही बात करें अगर हम लोग वैष्णव धर्म, ठीक है, वैष्णव धर्म, धर्म का ही या संप्रदाय का ही, तो इसके थे वासुदेव कृष्ण, ठीक है, वासुदेव कृष्ण थे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, बहुत सही, शानदार। अगर वही हम बात करें रुद्र संप्रदाय, ठीक है, रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय का, तो इसके कौन थे, वल्लभाचार्य थे, ठीक है, वल्लभाचार्य, ऐसे कह दे पेपर में कि वल्लभाचार्य किस संप्रदाय से संबंधित है, कोई कुछ भी दे देगा तो आप किस पे लगाएंगे, रुद्र संप्रदाय पर, ठीक है, क्लियर है बच्चों, बहुत सही। एक था दादू पंथ, ठीक है, दादू पंथ संप्रदाय या फिर कहिए पंथ, ठीक है, दादू पंथ या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं निपक संप्रदाय, ठीक है, संप्रदाय, ठीक है, निपक संप्रदाय की अगर बात करें तो इसका कौन थे, इसके थे दद्दू दयाल, ठीक है, दादू दयाल ऐसे कह सकते हैं, दादू दयाल, कहीं कहीं पर दद्दू मिलता है, ठीक है, दादू दयाल थे दादू पंथ या फिर निपक संप्रदाय के प्रवर्तक, ठीक है, बहुत सही, तक हो गया। वहीं आगे बात करेंगे हम लोग, ये सब चीजें आप लोगों को मिलती नहीं होगी कहीं पर, लेकिन इसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, ये पूछा जा सकता है पेपर, ठीक है, नोट हो गया यहाँ तक। आगे हम बात करें राधा बल्लभ संप्रदाय, ठीक है, राधा बल्लभ संप्रदाय, राधा बल्लभ संप्रदाय की अगर बात करें वहीं पर तो इसके जो प्रवर्तक थे हित हरवंश, ठीक है, कौन थे, हित हरवंश, नोट करते चलेंगे आप, दिख रहा है सब, मेरा फेस नहीं दिख रहा, अरे कोई बात नहीं, फेस नहीं दिख रहा इससे कोई इशू नहीं है, आपको बोर्ड दिख रहा है ना, बात खत्म। अगर बात करें रामवत संप्रदाय, रामवत संप्रदाय, ठीक है, रामवत संप्रदाय की अगर बात करें तो इसके कौन थे, रामानंद थे इस संप्रदाय के प्रवर्तक, ठीक है, कौन संप्रदाय का, रामवत संप्रदाय, नाम से याद कर सकते हैं, रामवत संप्रदाय से रामानंद थे, ठीक है, क्लियर है। अगर हम बात करें उदासी संप्रदाय, उदासी, बापरे, उदासी संप्रदाय, उदासी संप्रदाय इसकी अगर बात करें तो इसके थे श्रीचंद्र, ठीक है, श्रीचंद्र थे, कौन थे, यहाँ पर लिखेंगे श्रीचंद्र, हाँ श्रीचंद्र के बारे में जानेंगे, ये गुरु नानक जी के पुत्र थे, ठीक है, गुरु नानक के पुत्र थे, नानक के पुत्र, ठीक है, नानक के पुत्र थे कौन, श्रीचंद्र, इसको लिखेंगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, श्रीचंद्र कौन थे, गुरु नानक के पुत्र थे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत सही, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे क्लास को, उसको वीडियो को ही रोक दीजिए या फिर नोट करने के बाद फिर क्लास चालू कीजिए, नोट करके नोट कर लीजिए।
फिर रोक के नोट कर लीजिए, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, रोक लीजिए। चलिए, तो कौन थे श्री चंद्र, कौन थे, तो जो थे, ठीक है, धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक के पुत्र, ठीक है, गुरु नानक के पुत्र कौन थे, सिख गुरु नानक के पुत्र कौन थे, तो श्री चंद्र, जो कि उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, ठीक है। अगर मैं बात करें विश्वनेयी संप्रदाय, ठीक है, विश्वनेयी संप्रदाय, विश्वनेयी संप्रदाय, तो विश्वनेयी संप्रदाय की अगर बात करें तो इसके प्रवर्तक कौन थे, इसके प्रवर्तक जयनाथ थे, ठीक है, जयनाथ, कौन थे बच्चों, जयनाथ थे, नोट करते चलेंगे। वहीं अगर बात करें निरंजनी संप्रदाय, ठीक है, निरंजनी, निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय की अगर बात करें तो इसके थे संत लाल दास, ठीक है, संत लाल, माफ कीजिएगा, इसके थे निरंजन, ठीक है, निरंजन, निरंजन दास, निरंजन दास, ठीक है, निरंजन दास थे, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें लाल पंथ संप्रदाय का, ठीक है, लाल पंथ संप्रदाय, संप्रदाय, संप्रदाय का, तो इसके कौन थे, इसकी अगर बात करें तो इसके थे संत लाल दास, ठीक है, संत लाल दास, संत लाल दास थे इसके प्रवर्तक, लाल पंथ संप्रदाय के कौन से प्रवर्तक, तो संत लाल दास, ठीक है, महानुभाव पंथ, ठीक है, महानुभाव पंथ, महानुभाव भाव पंथ, ठीक है, पंथ यानी ये भी एक संप्रदाय का हिस्सा ही है, ठीक है, धर्म का हिस्सा है, महानुभाव पंथ यानी महानुभाव संप्रदाय, तो इसके थे गोविंद प्रभु, ठीक है, गोविंद, गोविंद प्रभु, ये गोविंद प्रभु, ठीक है, गोविंद प्रभु, नोट करेंगे आप लोग, नोट करते चलेंगे, ठीक है। वहीं अगर बात करें बारकरी संप्रदाय, बारकरी संप्रदाय, बकरी मत लीजिएगा, बारकरी, ठीक है, संप्रदाय, बारकरी संप्रदाय की अगर बात करें तो इसके कौन थे, इसके थे नामदेव, ठीक है, नामदेव, नामदेव देवता नहीं है भाई, वैसे देवता से कम भी नहीं होंगे, धर्म की स्थापना, संप्रदाय की स्थापना, संप्रदाय मतलब कम्युनिटी भी कह सकते हैं, ठीक है, कम्युनिटी, जैसे होती नहीं टीचर कम्युनिटी, छात्र कम्युनिटी, ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं, कम्युनिटी भी कह सकते हैं, धर्म भी कह सकते हैं, एक प्रकार से एक टुकड़ी कह सकते हैं, ठीक है, नोट हो गया यहाँ तक। हाँ, यहाँ पर अगर बात करें घर करी संप्रदाय, घर करी संप्रदाय, घर करी संप्रदाय की बात करें तो घर करी संप्रदाय का जो प्रवर्तक थे वो रामदास बोध, ठीक है, रामदास बोध, राम कहेंगे रामदास बोध थे घर करी संप्रदाय का, ठीक है, यहाँ तक कोई इश्यू, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। वहीं अगर बात करें हरियाली संप्रदाय, हरियाली, ये हरियाली संप्रदाय, ठीक है, हरियाली संप्रदाय की बात करें तो ये कौन थे, ये माधवाचार्य थे, ठीक है, माधवाचार्य, माधवाचार्य, अभी मैंने लिखाया इनके बारे में, माधवाचार्य के बारे में, इन्होंने एक धर्म की और स्थापना की थी, कौन सा, आप लोग नाम बताएंगे, माधवाचार्य, ठीक है, लिखे होंगे आप लोग, माधवाचार्य ही थे, कौन थे जी, बिल्कुल, ब्रह्मा समाज की इन्होंने संप्रदाय की, ब्रह्मा धर्म का इन्होंने स्थापना किया, संप्रदाय, ठीक है, बस यहाँ तक नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए रोक कर क्लास को, या फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट करने के बाद फिर से आगे कर दीजिए। कम्युनिटी यानी संप्रदाय, यानी एक प्रकार का धर्म भी कह सकते, क्लियर है। अगर हम बात करें एक शरण संप्रदाय का, संप्रदाय, एक शरण संप्रदाय की अगर बात करें तो प्रवर्तक थे वो शंकर देव थे, कौन थे, शंकर, हाँ शंकर भगवान नहीं, ये इंसान ही थे, ठीक है, भगवान यानी शिव जी नहीं, ठीक है, क्लियर है। जी बिल्कुल, ठीक है, सनक,
सनक संप्रदाय की स्थापना कौन किया था? तो ये निम्बार्क थे, ठीक है, निम्बार्क, निम्बार्क कौन थे, निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किए थे, ठीक है। वहीं अगर बात करें सुखी सुखी संप्रदाय, तो सुखी रहते हैं, ठीक है, संप्रदाय। हर धर्म में दुख सुख तो है, ठीक है। इसके कौन थे? इसके थे स्वामी हरिदास, ठीक है, स्वामी, ठीक है, प्रवर्तक, क्लियर है। सतनामी संप्रदाय, सतनामी संप्रदाय, सतनामी संप्रदाय की अगर बात करें तो इसके थे जग जीवन साहब, कौन थे, जग जीवन, जग जीवन साहब कौन थे बच्चों, जग सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक, ठीक है। अगला अगर बात करें बाउल संप्रदाय का, बाउल, बाउल मतलब कटोरा है ना, बाउल संप्रदाय, संप्रदाय का, तो इसके बाउल संप्रदाय की अगर बात करें तो बाउल संप्रदाय के प्रवर्तक थे चंडीदास, ठीक है, कौन थे, चंडीदास, चंडीगढ़ मतलब दीजिएगा चंडीदास है, ठीक है, बाउल संप्रदाय। दासकूट संप्रदाय, ठीक है, दास संप्रदाय, दासकूट संप्रदाय अगर बात करें तो इसके थे पुरंदर दास, ठीक है, पुरंदर, पुरंदर दास, पुरंदर दास थे इस संप्रदाय के प्रवर्तक, ठीक है। हाँ, दो और संप्रदाय बच्चे, उसको लिखने के बाद क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है बच्चों। चैतन्य, चैतन्य पंथ, ठीक है, चैतन्य पंथ की अगर बात करें, पंथ भी एक प्रकार से क्या है, कम्युनिटी है, यानी संप्रदाय या फिर धर्म, ठीक है। चैतन्य पथ की अगर, पंथ की बात करें तो नित्यानंद गोस्वामी थे, ठीक है, कौन थे, नित्यानंद गोस्वामी, नित्यानंद गोस्वामी, ठीक है, गोस्वामी, नित्यानंद गोस्वामी थे, ठीक है। अगला अगर बात करें गौडीन संप्रदाय, गौडी, गौडीय संप्रदाय, ठीक है, संप्रदाय, तो इसके कौन थे गौडीय संप्रदाय के, तो ये चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु। यहाँ तक कोई इश्यू, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, नोट करेंगे आप लोग, फिर क्लास को शेयर कर दें, फिर क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और जो इस चैनल पे नए आए हैं उस चैनल को, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तभी लाइक करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आपको डिसलाइक करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बता के आप क्यों डिसलाइक कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आपका अधिकार है भाई, आपकी मर्जी, लेकिन आप बता देंगे, फीडबैक दे देंगे अपना, तो फिर हम उस पर सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।